आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैट्स के कान साफ़ करना क्यों ज़रूरी है और कैसे साफ़ करेंगे। बहुत ही तीन इजी स्टेप्स जिनके ज़रिए आप अपनी कैट को रिलैक्स कर सकते हैं, उनके कान साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो जब आपने इसके ना कान साफ करने हैं ना, अभी देखें इसमें ना एयर माइट्स हुआ है, करीब लेके आए ज़रा इसको दिखाएं। एयर माइट्स भी हुआ, ये देखें इसमें से बाहर भी आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, डिस्चार्ज भी हो रहा है ना इसके। तो अभी आपने कोई भी एयर क्लीनर पहले इसके कान में डालना है 40-50 सेकंड के लिए ना, इसको ऐसे करना है, वो खुद भी ये हेड शेक करेगा। उसके बाद आपने ये लेने हैं अल्कोहल पैड्स। एक कान मैंने इसका साफ़ कर दिया ऑलमोस्ट, ये देखें कितने ज़बरदस्त इसको हो गए हुए हैं। थोड़ा सा ये तंग करेगा लेकिन इसको सुकून भी आ रहा होगा, इसके बहुत कान गंदे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें ये आपको मार्केट से बड़े एयर पैड सस्ते मिल, एयर पैड नहीं अल्कोहल पैड बहुत सस्ते मिल जाएंगे। ये कोई 100 पीसेस में लेके आया हूँ, सॉरी 50, ये मुझे सिर्फ 100 के मिले हैं, तो इनफ है। 50 पीसेस से एटलीस्ट आपके आप 3 दफ़ा इसके एयर साफ कर सकते हैं, वीकली भी, वीकली आपको करने चाहिए। देखो सुकून आ रहा है इसको साथ, लेकिन थोड़ी सी मस्तियाँ लाजमी करेगा ये बेटा। मजे की बात है, अल्कोहल से मुझे एलर्जी होने लग गई बेटा, बस थोड़े से रह गए, थोड़े से करवा लो, बस 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 ये रहेंगे इसके पहले से कितने साफ हो गए। ये देखें इसने रेड किए हुए सारे ना, इसके ख़ारिश होती है, कितने मजे से बैठ गया। बाकी इतनी कोई बात नहीं है कि आपको, आप इसके वेट्स के पास लेके जाएं या आप घर में भी इसके कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इसको कहते हैं एयर माइट्स। जब ये होते हैं ना, ये आपका खाना पीना भी कम कर देता है, इसको बुखार भी हो जाता है समटाइम। लेकिन हमारा बिल्ला थोड़ा सा एक्टिव है, इसको फिलहाल कुछ नहीं है, थोड़े से एयर माइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग है बच्चा। अभी हम इसकी 2 से 3 बार सफाई करेंगे, कल भी करेंगे, परसों को ये फ्रेश हो जाएगा। चल ठीक, क्या हो रहा है भाई, ये इसने अब कान साफ करवा लिए हैं, ये पता नहीं क्या, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कर क्या रहा है। आपको अगर किसी को समझ आ रही है कर क्या रहा है मुझे भी बताएं। स्नोबेल ये क्या हो रहा है, कमेंट दीजिएगा, कान साफ करवा के आपको कैसा लग रहा है। अरे स्नोबेल किधर गया, इसके थोड़े से कान रह गए। स्नोबेल, स्नोबेल, अबे वो बैठ के नीचे क्या कर रहा है। स्नोबेल क्या कर रहे हो, डर क्यों रहे हो। अभी हमारे शेख स्नोबेल को आई है पोटी, ओ ये गया, जब मैं होता ना तब ड्रामे नहीं करता ये। अब इसने कान साफ करवाए हैं, बहुत रिलैक्स हो गए सुकून में। अभी मुझे इस गधे की समझ नहीं आती, इसका लिटर बॉक्स में वो सारा लिटर इसका अंदर पड़ा होता है, उसको छोड़ के बड़ा टाइलों से पता नहीं क्या उठा के डालने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ वेरी गुड। यार ये कोई इतना कोई बेवकूफ है ना, ये देख सूसू इसने अंदर की है, पोटी बाहर कर दी। व्हाट द, अब इस टाइलों में से पता नहीं क्या उठा के ये डालता है गधा, जितना इसको ट्रेन कर लो इसको नहीं समझ आती। कर रहा है खाने का वेट,
भूख लगी है? इधर देखो, वो मेरी बेटी को भूख लगी है। चलो जाओ खेलो। सुनो बेल, इधर देखो। ओ, चलो जाओ बाहर देखो कौन है। ओ,